सईद साहब, जैसे जो आपने फिल्म्स जो बनाई इससे पहले जी और जिसको न्यू वेब सिनेमा भी आप बोलते हैं, जिसको न्यू वेब सिनेमा के तौर पे हम जानते हैं, जी तो उस दौरान उस मोमेंट के बारे में और उसके उससे आपके जुड़ाव के बारे में, अपने दोस्तों के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। जब हम लोगों ने फिल्म बनाना शुरू किया 1970s में और फिर 80s में, यू मस्ट रिमेम्बर देयर वाज अ परसेप्शन ऑफ द स्टेट। 1947 से अगर आप देखें तारीख जो होती है सिनेमा की, हम लोग आए मिड 70s में, अर्ली लेट 70s में और फिर 80s में जो हमने काम किया, वी वर नॉट द इंडिपेंडेंस गैंग, वी वर पोस्ट इंडिपेंडेंस पीपल। हाँ, तो उस दौरान में वी ऑल्सो सॉ नेहरूवियन विजन ऑफ द वर्ल्ड। हमने ये तय किया था कि यार लेट्स क्वेश्चन द नेहरू इन्वेशन के, ये क्या है, क्या ये सचमुच सोशलिज्म है या नहीं। तो वी सारे क्वेश्चनिंग नॉट जस्ट पोलिटिकली बट ऑल्सो आर्टिस्टिकली, भैया ये पुरानी जो सिनेमा जो है दोबारा देख लें। क्वेश्चनिंग प्रोसेस जब शुरू हुआ तो हम कहते हैं वो दैट्स अ न्यू वेव ऑफ सिनेमा, किसी ने नाम दे दिया तो हम लोग ठीक है, चलो न्यू वेव इंडियन सिनेमा, फ्रांस में न्यू वेव हुआ था तो यहाँ भी न्यू वेव, कोई न्यू वेव नहीं था। वी आर जस्ट एक्सटेंडिंग द आर्ग्यूमेंट्स, अगर आप देखें जो हमारे, अगर आप हिंदी फिल्म के बारे में बात करें, एक्सटेंडिंग द आर्ग्यूमेंट्स एवर ऋतिक घटक और गुरुदत्त और बिमल रॉय, गिविंग न्यू फॉर्म एंड शेप, चेंजिंग द लैंग्वेज बट कंटिन्यूइंग द ट्रेडिशन इन अ सेंस एंड एडिंग आई सपोज ज्यादा पोलिटिकल इनपुट्स या सोशल इनपुट्स लेके आ रहे हैं उसके अंदर, ये काम कर रहे थे। किसने कह दिया न्यू वेव और यू कॉल इट न्यू वेव, मगर ये भी था हमारे साथ कि हमने ये सोचा था कि वी कैन चेंज दुनिया को बदल सकते हैं, एरोगेंस भी थी उसमें, ये था ये, हाँ वी कैन चेंज द वर्ल्ड। जी जी फिर पता चला वी कांट, नहीं हो सकता, फिल्मों के जरिए नहीं हो सकता है, इंसान के जरिए शायद हो सकता है मगर नॉट थ्रू फिल्म, मगर वी डिड हैव दैट एरोगेंस के भैया हम दुनिया को बदल सकते हैं। ये आपके और भी दोस्त थे? बहुत सारे थे, बहुत सारे, अब देश भर में थे, केरला में थे, कलकत्ता में थे, मुंबई में थे, हैदराबाद में थे, मूवमेंट। फिर हमने ये भी शुरू किया कि फॉरम पर बेटर सिनेमा, और हमने गवर्नमेंट से कहा कि देखिए साहब ऑल यू हैव टू डू इज टू प्रमोट, ये जो काम है सब लोग कर रहे हैं पूरे देश में, केरला में, बंगाल में, तमिलनाडु में, आगरा में और बंबई में, ये जो है, अगर आप हर स्टेट के कैपिटल में एक सिनेमा हॉल बना दें 200 सीटर, उस जमाने में वो सिंगल स्क्रीन बड़े थिएटर, मतलब 200 सीटर्स पूरे देश में, 50 थिएटर बन जाए और हमारे फिल्म वहां निकल जाए, नो प्रॉब्लम, वी विल रिकवर द मनी। क्योंकि हमने ये भी तय किया था कि हाँ शायद देयर बी मेनी मोर पीपल जो शोले देखेंगे, इसका मतलब ये नहीं कि इन शहरों में लोग नहीं जो हमारी फिल्म नहीं देखेंगे, होंगे लोग, काफी लोग होंगे जो सीरियस फिल्म देखना चाहते हैं, तो उनको भी मौका मिल जाएगा। और हर स्टेट कैप में अगर एक ऐसा थिएटर हो 200 सीट का और दूसरे छोटे शहरों में वन मोर, कुल मिला के रिक्वायर हो रहा 100 थिएटर्स पूरे देश में, यू नो टू रिकवर। आप लोगों की तरफ से थी ये डिमांड? हाँ हाँ डिमांड फिल्म मेकर्स की तरफ से, उसमें सचिन रे शाह साहब भी शामिल थे और मेरे घर में शुरू हुआ था ये। अच्छा, कौन कौन लोग थे? मीना सेन, सचिन रे, सुरेश जिंदल, बुद्धदेव दास गुप्ता, हरिहरन, अरविंदन, अरुण गोपाल कृष्ण केरला में, वो टी एन चंद्रन सब थे वहां। बंबई में थे केतन मेहता, कुंदन शाह, सईद मिर्जा, विद्यु विनोद चोपड़ा, सुधीर मिश्रा, अच्छा आए थे, सब थे वहां। और मेरे घर में शुरू हुआ एक्चुअली ये, अच्छा, फॉरम वेड सिनेमा। और हमने फिर हमें बल जाने,
वी अच्छा नॉट जस्ट फिल्म मेकर्स आर्टिस्ट पेंटर्स म्यूजिशियंस उनके भी नाम लिया है अच्छा सिनेमा के सपोर्ट में इन सपोर्टर बहुत सारे थे जी जी तैयब मेहता अच्छा एम एफ हुसैन लॉट्स ऑफ पीपल वी गॉट म्यूजिशियंस हमने क्या कहा कि देखिए वी आर ट्राइंग टू से ये कब की बात होगी 1983 के Around that time. तो 83 के बाद जो ये तो गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किया नहीं 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 किया, नहीं किया तो फिर भी 80s का दौर एक आप देख लीजिए और 90s के बाद फिर भी फिल्म्स आप लोग शायद बनाते रहे तो 90s के बाद मेरे ख्याल से बहुत कम हो गया ये चीज नहीं क्योंकि तो इसको वजह भी थी कि एक तो यू रियलाइज कि भैया कुछ लोग निकल गए दूसरे रास्ते पे लेट अस अटेम्प्ट टू मेक सिनेमा सीरियस सिनेमा इन द विद इन द मेन स्ट्रीम कुछ लोग वहां निकल गए कुछ लोग ने जैसे मैं आई जस्ट वॉक्ड अवे 1993 आई डिसाइड आई डोंट मेक एनी फिल्म्स फिर मैंने एक फिल्म बनाई नसीम अबाउट द राइट्स एंड द बाबरी मस्जिद मैं उसके बाद खुदा हाफिज आई एम आउट I don't want anything to mock. I want to do documentaries. I want to teach. मैं सिखाऊंगा बच्चों को but I will not make any more films. तो मैंने FTR में बहुत काम किया ऐसा संजीव देव उसको मैं सिखाया बच्चों को फिर जामिया मिलिया 2000 में सिखाया लोगों को क्लासेस ली मैंने और फिर मैंने डॉक्यूमेंट्रीज बनाने शुरू किए लेकिन डॉक्यूमेंट्रीज और फिर ट्रैवलिंग और इस दौरान मैंने किताब भी लिखी तो इट्स सॉर्ट ऑफ डिसइंटीग्रेटेड पूरा मूवमेंट और फिर से इसका मेन रीजन क्या लगता है आपको गवर्नमेंट ने सपोर्ट नहीं किया क्यों नहीं किया और फिर क्या है कि भाई परेशानी होती है कि हमें फिल्में बनाना है फिर struggle of being able to find backers to make a film, लोग परेशान हो जाते हैं फिर इंडिविजुअल बन जाते हैं ग्रुप्स निकल जाते हैं इंडिविजुअल बन जाते हैं एंड थिंग्स चेंज मगर दोस्ती बागा was there, still remained. फ्रेंडशिप स्टिल was there, मगर each person has an individual career to follow. अब क्या उसमें अगला कैसे मैं मनी कॉल भी थे कुमार शानी भी थे विष्णु माथुर सब everybody was in that. जुड़ करते फिर द इंडिविजुअल स्ट्रगल है सॉल्व करें तो दिस फोरम क्वाइटली सॉर्ट ऑफ डिसइंटीग्रेटेड और 90 से पहले ही बाय द एंड ऑफ द 80s अच्छा मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज इंट्रोड्यूस की इंडियन स्टेट ने और तो उसका क्या सिनेमा पे असर पड़ा या जिस डायरेक्शन में जाना जा रहा था हमारा स्टेट 80s से ही तो इसलिए तो ऐसा नहीं था कि गवर्नमेंट इस बात के लिए तैयार नहीं थी कि गवर्नमेंट ने नेहरू भी इन्वेशन भी एनएफडीसी भी था नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन स्टार्टेड फॉर द प्रमोशन ऑफ बेटर सिनेमा जी जी क्या हुआ लाइक ऑल इंस्टीट्यूशंस वो भी खत्म हो चुका है एंड नाउ दे फंडिंग फ्रॉम अगर आप स्टार छोटा मोटा स्टार ले आइए फिर आपको पैसे मिल जाएंगे तो The whole process, not realizing कि देखिए we are viable if only we can reach an audience. अगर आप वही थिएटर में हमारी फिल्म रिलीज करेंगे जिसमें आप यू गेट मुगल आजम या शोले या कभी खुशी कभी गम जब यह प्रॉब्लम लेट देयर बी एन ऑल्टरनेटिव स्पेस उसकी जरूरत है सही उसी शहर में And then you'll find, you'll see what can happen. वो नहीं हुआ. The movement died. हमारी मांग क्या थी कि हर स्टेट में अगर दो तीन शहरों में एक 200 सीटर हो हम पहुंच सकते लोगों तक. We can reach. क्योंकि लोग अगर कोई अगर आदमी बैठा है शिमला में और हिमाचल में जरा जरा थिएटर How does he or she get to Bombay or Calcutta or Delhi Madras to see our work?
सही बात। या भोपाल से वो कैसे आएगा, या ग्वालियर से कैसे आएगा, या कोयम्बतूर से कैसे आएगा? मतलब अगर कोयम्बतूर में ऐसा थिएटर नेक्स्ट बिग सिटी तो चेन्नई, कोयम्बतूर, मदुराई, थ्री थिएटर से इन तमिलनाडु, 200 सीटर्स, क्या लोग नहीं आएंगे? आएंगे। लेकिन ये तो डिमांड पूरी की नहीं हुई। जी जी, उसके बाद हम बिखर गए। जी सईद साहब, एक चीज़ ये जानना चाह रहा हूँ कि जो हिंदुस्तान, जो हिंदी सिनेमा हमारा खास तौर पे है, इसमें सबसे अच्छा दौर जो भी है अब तक का, और सबसे अच्छा या सबसे बुरा जो भी आप बताना चाहें, तो कैसे देखते हैं आप इसको, कौन सा अच्छा दौर? दौर इंटरनल सिनेमा। अच्छा, दौर पॉलिटिक्स ऑफ स्टेट, सिनेमा ओनली रिफ्लेक्ट्स द नेचर ऑफ द स्टेट। राइट, इफ द स्टेट इज ग्लोबलाइज्ड, तो उसके जो रिफ्लेक्शंस हैं, वो रिफ्लेक्शन से आई थिंक द 50s वाज अ रीजनेबली गुड दौर, आई थिंक 70s एंड 80s वाज रीजनेबली गुड, बट उसके में वी मस्ट आल्सो रियलाइज 70s एंड 80s में वाज आल्सो द राइज ऑफ ऑल काइंड ऑफ अमिताभ बच्चन एंड राजेश खन्ना एंड ऑल दिस वाज हैपनिंग अलोंग विद सो कॉल्ड न्यू वेव सिनेमा। वो भी मगर हमारे पास प्लेटफॉर्म था। जी जी, एक प्लेटफॉर्म तो था, अब क्या हो रहा है? वो प्लेटफॉर्म खत्म हो गए फॉर यंगर सिनेमा पीपल, दैट प्लेटफॉर्म वाज श्रंक टू बिकम ऑलमोस्ट नथिंग। अभी आप सिर्फ टेलीविजन में शायद लेट नाइट पे शायद तुम दिखा दें, वो प्लेटफॉर्म खत्म हो गया। जी जी, मुझे इस बात का डर है कि एनी सीरियस वर्क डन इन दिस मीडियम डजंट हैव अ प्लेटफॉर्म। दुख इस बात का है जी, 80s में गुंजाइश थी, अब वो गुंजाइश भी कम हो चुकी है, कम हो चुकी है। अच्छा, और बहुत घट चुकी है जी। जो न्यू वेव सिनेमा के दौर में, उस दौरान जो आपकी जो फिल्म्स हैं, तो आपने अपनी फिल्म्स को जो सोशल रियलिटी है उसको एक्सप्रेस करने के लिए, या जो आपके कंसर्न्स हैं उनको एक्सप्रेस करने के लिए, किस तरह से आपने इस्तेमाल किया उस आर्ट के फॉर्म को? नहीं, आप देखिए, मैं बताऊंगा कि I was not making films alone. Ketan Mehta the, Kundan Shah the, Sudhir was assisting us. There was Mani Paul, there was Kumar Shah. Ab jab ek group banta hai, hausla banta hai. Ye nahi ki main unki jaise film banaunga ya wo hum meri jaise film banayenge. We are different people, different ways of seeing the world. But we respected each other's work. Jab 10 आदमी ऐसे हो एक शहर में, हौसला बढ़ता है। तो मेरी स्क्रिप्ट पे दे वुड हेल्प मी ऑन, आई वुड गो एंड वर्क ऑन देयर स्क्रिप्ट्स, अंडरस्टैंडिंग देयर पॉइंट ऑफ व्यू, तो देयर वाज अ गिव एंड टेक। अब वो भी वक्त के हिसाब से तब्दीलियां आती, चेंजेस आती, एंड इंडिविजुअल जर्नी शुरू हो गई। स्ट्रगल टू मेक फिल्म वो भी शुरू हो गया था। तो अब आपका सिनेमा से लेकर जो जुड़ाव और जो डेवलपमेंट, और आपने जो जो सिनेमा के माध्यम से जो दिखाया, तो उसके बारे में थोड़ा सा। तो पहली फिल्म मैंने बनाया था तो अरविंद देसाई के जी का, जी, और वो फिल्म जो थी, मैंने कहा, सोचा कि लेट मी मेक अ फिल्म दैट इज क्लोजर टू माय रियलिटी, जिस माहौल से मैं निकला हूं उसको मैं जरूर थोड़ा समझ लू, फिर उसके बाद बाहर देखू। फर्स्ट यू मस्ट सी योरसेल्फ। अरविंद देसाई कौन सा है? ही बिलोंग्स टू द अर्बन अपर मिडिल क्लास, है अच्छे स्कूल, गोज टू गुड स्कूल, गोज टू गुड कॉलेज, रीड द राइट बुक्स, जिसमें आइडियाज हैं, ही परहैप्स रीड्स, हैज द अपॉर्चुनिटी रीडिंग कार्ल मार्क्स एंड वोल्टेयर एंड बाल्ज़ाक एंड प्रेमचंद, एंड ही माइट अंडरस्टैंड फिदेल कास्ट्रो या चे गुवेरा, जो एक्सपोज टू आइडियाज। वो करता क्या है वो आइडियाज के साथ? वो ढक देता उसे, क्योंकि उसको धंधा करना है। अगर मैं इस रास्ते पे निकल जाऊं तो गड़बड़ हो जाएगी,
एंड दैट इज अ स्ट्रेंज फेट अबाउट इंडिया साइड, कि वो जानता है वह उसके बावजूद कुछ नहीं कर पाता है. क्योंकि उसका एफिलिएशन किसी मूवमेंट से इन चीजों से नहीं. जब भी बहुत गिल्ट फीलिंग ऑफ गिल्ट के यार मैं सोचता यूं करता ये हूं, दैट होल डाइकोटमी ऑफ लिविंग. और कभी कभी अपने गिल्ट को सुधारने के लिए या उसको बहलाने के लिए वो अपने लेफ्टिस्ट फ्रेंड राजन के पास जाता भी है. नहीं डिस्कस मार्क्सिज्म, नहीं डिस्कस रेवोल्यूशन, सब कुछ हो रहा है. हाँ बिल्कुल, नो आई डू Instruct. And that is a strange fate of Arvind Desai. Trapped. Historically a parasite. He consumes ideas and doesn't act upon them. Uske baad shift into Albert Pinto to Sati Mata. You declass yourself and move out. And you go into lifestyle of a minority. What is mainstream? What is minority? What is India? What is? Uske baad you take on the legal system. Mohan Joshi has it. And then you go on to Salim Nalle Pamathro. Us dauran mein you had this entire movement of Shilanyas and Patanayur rampaging undercurrents of incredible fascism. Wo sab ho rahe hain ji us dauran mein. It was a young son who was on a one way street dead end on the way only down into a no exit street. फिर उसके बाद कर लिया मैंने. फिर उस दौरान में हमने नुक्कड़ भी बनाया इन बिटवीन, वी डिड नुक्कड़, वी डिड इंतजार, फिर वापस आ गए. फिर पॉइंट वाज टू बी एबल टू प्ले गेम द टेलीविजन एंड फिल्म एंड सी. फिर असलियत आ गए बाबरी मस्जिद. मुझे और फिल्में नहीं और कुछ मुझे और कुछ कहना नहीं है. तो आई स्टार्टेड टीचिंग एफडीआई में. जी जी आपने बताया टीचिंग ट्रैवलिंग डॉक्यूमेंट्री बनाना शुरू की मैंने. फिर से दोबारा टू रीगेन फेथ. डॉक्यूमेंट्री अभी कोई आपने बनाई इस बीच? हाल ही में मेरा फिल्म अनहर्ड वॉइसेस ऑफ इंडिया. अच्छा, क्या है उसपे? क्या जो लोग इनकी आवाज सुनाई नहीं देती, मैं कोई कौन दिखाने वाला है? जी ये है. अच्छा, एंड आई ट्रैवल्ड ऑल ओवर इंडिया, पूरे देश घूमकर रामपुर में. इसलिए मैं आया था वाया गोरखपुर. जी 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 मूसा है तो है ना, वो मुंबई से अब पूरा गाड़ी पे आए. जी जी दूसरी बात. अच्छा, पहले भी आप आए हैं? उससे 50 ईयर इंडियाज इंडिपेंडेंस गवर्नमेंट ने मुझे बुला के भैया पांच फिल्मों मैं उसको बुलाया. एक था श्याम बेनेगल, एक बुद्धदेव दास गुप्ता, एक गिरीश कर्नाड, सईद मिर्जा और मेरे ख्याल से भूपेन हजारिका. कहाँ बुलाया था आपको? टू रिकॉर्ड 50 इयर्स ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस. अच्छा, तो मैं कहा ठीक है मैं कर लूंगा, मगर आई डोंट वांट एनी सेंसरशिप. आई ट्रैवल ऑल ओवर इंडिया एंड आस्क पीपल उनकी राय क्या है. ये 50 साल जो निकल चुके हैं आजादी के, तो मैं लोगों से पूछना कि उनकी राय क्या है, 50 साल में हुआ क्या. तो सईद साहब, एक बात आपकी फिल्म से ही आगे बढ़ाते हुए, कि जो मुस्लिम करेक्टर्स हैं आपकी फिल्म में, आपने जिस तरह से उनको डिफिक्ट किया है, तो हिंदी सिनेमा के कॉन्टेक्स्ट में अगर मुस्लिम करेक्टर्स को देखें तो उनकी प्रेजेंस उस तरह से उससे पहले नहीं मिलती जैसे आपने दिखाया मेरे ख्याल से. और पहले तो जो
प्रोडक्शन में भी जो लोग जो फिल्म बनाते भी थे एक्टिंग भी करना होता था, हमारी सोसाइटी ऐसी थी कि वो अपनी मुस्लिम आइडेंटिटी के साथ आते भी नहीं थे। अब हालांकि चीज़ें बदल चुकी हैं, तो मुस्लिम्स का एक आर्ट फॉर्म के तौर पे जो सिनेमा है इसके साथ पूरे रिलेशन को कैसे आप देखते हैं और आपकी फिल्म से भी जोड़ते थे पूरी? हाँ मैं बताना था जी, देखिए जो मैंने देखा है पॉपुलर सिनेमा आइटम नंबर बन गए थे, मुस्लिम कैरेक्टर्स एन आइटम नंबर जी, आदर वो कसाई होगा या कव्वाल, आई डोंट नो, या वो आई थिंक देयर नो होमोजेनिटी, हर किस्म के हैं लोग, जो मुसलमान या हिंदू ऑल काइंड, मगर द रीजन फॉर मेकिंग द फिल्म्स लाइक सलीम मंदिर मंत्र का ये होता कि मेरा नाम अरविंद देसाई होता फिर कुछ और सवाल हो गए होते, बट आई एम अ कंसर्न सिटीजन ऑफ इंडिया, नाम है सईद मिर्जा बट आई एम कंसर्न सिटीजन एंड आई हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग टू द माइनॉरिटीज, मगर सवाल कुछ और होता कि मेरा नाम अरविंद देसाई होता और सवाल कुछ और होता है कि मेरा नाम सईद मिर्जा है, आई नेवर वॉज सईद मिर्जा, आई नेवर वॉज ए मुस्लिम इन अ सेंस, आई नेवर वॉज, आई वॉज जस्ट अ ह्यूमन बींग ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द कंट्री, राइट। दिक्कत क्या हुई आज के दौर में कि आई एम स्टक विद द नेम को सईद अख्तर, ने कहा अच्छा तो हाँ हाँ ओ अच्छा तो यू आर कंसर्न्ड अबाउट मुस्लिम, टेल मी व्हाई यू आर कंसर्न्ड, अरे यार आई एम कंसर्न्ड अबाउट क्रिश्चियन, आई एम कंसर्न्ड अबाउट आदिवासी, आई एम कंसर्न्ड अबाउट दलित, आई एम कंसर्न्ड अबाउट ब्राह्मण, आई एम कंसर्न्ड अबाउट आई डोंट नो, आई एम कंसर्न्ड, सही, आई एम कंसर्न्ड अबाउट मीनाज एंड गुज्जर, ये क्या हो रहा है यार, आई एम कंसर्न्ड अबाउट राज ठाकरे एंड द नॉर्थ इंडियन, आई एम कंसर्न्ड कि दीज आर रिफ्लेक्शंस ऑफ अ स्टेट, मगर आई हैव आल्सो कम टू द कंक्लूजन इस वक्त इस दौरान में यू कैन इजिली किल अ मुस्लिम एंड गेट अवे विद इट एज अपोज टू एनी अदर सेक्शन ऑफ सोसाइटी टुडे, दिस इज द नेचर ऑफ माई स्टेट, मट माई नेम इज सईद अख्तर मिर्ज़ा, हाउ डू यू मेक द स्टेटमेंट, यू आर स्टक विद द नेम, हिस्टोरिकल डुप्लिसिटी, यू आर स्टक यार, आई नेवर वॉज सईद मिर्ज़ा, आई वॉज An absolute internationalist in my soul, I am. समझ जी. मगर फंस गए नाम तो, and in these times, in these stupid times, के भैया था नाम तो सही मिर्जा है, तब क्या है? You can't figure yet. आपने सवाल उठाया जब मैंने आलोक टुंडू बनाया, मोहन जोशी बनाया, अरविंद देसाई बनाया, आपने सवाल नहीं उठाया, संसद लिए क्या है? But what am I trying to do? I'm trying to understand the country. And I only understand a country through its weakest links. Right. कि वहाँ क्या हो रहा है? सही. Is a state valid or invalid in its treatment of its weakest links? और अब मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि if you don't watch out, there'll be an insurrection. The time मैं कह रहा हूँ बहुत दूर, there'll be an insurrection. भिवंडी हो गई, भागलपुर हो गया, गुजरात हो चुका है, जबलपुर हो चुका है, क्या है मालेगांव हो चुका है, इनफ एंड इनफ, एंड देर आर यंग पीपल एंग्री, डोंट यू रियलाइज व्हाट यू आर डूइंग, प्लीज अंडरस्टैंड देर इज गोइंग टू बी एंगर, गुस्सा है, मैंने बताया कि सड़कों पे मरना तो है, दो को लेके मरो, दो कौन, डोंगरी नागपाड़ा में जब बाबरी मस्जिद का दौर चल रहा था जी, मरना तो है यार, अच्छा दो को लेके मरो, दो को और मारो और मरो, दो कौन, दी अदर, अच्छा तो बा ये क्या डेस्परेशन है, ये क्या डेस्परेशन है, दो कौन, यानी कि हिंदू, अगर आपका नारा ये है, इज़न्ट इट फ्राइटनिंग टू हियर दिस, मरना तो है, देयर इज़ नोबडी टू प्रोटेक्ट यू, रिएक्शन एक तरह का, देयर इज़ नोबडी टू प्रोटेक्ट यू, जी कोई है नहीं सहारा, तो मरना तो है, दो को लेकर मरो, व्हाट इज इट मीन, जैसे जैसे इज एनीबॉडी लिसनिंग टू दिस,
आई एम लिसनिंग एंड माय नेम इज अरविंद देसाई आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड. ये आपका अपने अपना पर्सपेक्टिव बताया पूरे चीजों को देख के, लेकिन आपका एक जो क्रिटिक होगा अपनी तरफ से जो फिल्म जो लोग बना रहे हैं और मुस्लिम कैरेक्टर्स को जिस तरह से डिपिक्ट कर रहे हैं उस पे आपका क्या सोच. मैं बताऊंगा क्वाइट ऑनेस्टली, मैंने पिछले 10 साल में आई हैव नॉट सीन एनी ऑफ दीस फिल्म्स, जैसे फ्राइडे या वेडनेसडे. पुरानी भी आप पुराने जमाने की फिल्म में था क्या, थॉट दे जस्ट फंडामेंटली आइटम नंबर्स या यू हैड मुस्लिम सोशल्स कि गालिब और गजलें या जो लाहे हैं आंध्र प्रदेश के हैं कर्नाटका के हैं जो उर्दू नहीं बोल पाते हैं, ये क्या चिपका देते मुसलमान तो मतलब उर्दू व्हाट इज तमाशा. गुजराती बोलते हैं, कन्नड़ा बोलते हैं, मलयालम बोलते हैं, तमिल बोलते हैं, ये मुस्लिम का उर्दू से जोड़ना आई डोंट अंडरस्टैंड. हर किस्म के मुसलमान है जैसे हर किस्म के हिंदू है, मगर आपने एक मलमित बना दिया. इसलिए मैंने ये जबान जो मैंने इस्तेमाल किया शरीर नंगड़े पे, ये जबान कहाँ की है, सड़कों की जबान है. मगर विगर टिंज ऑफ आंध्रा, ये आंध्रा के लोग हैं, ये यूपी के नहीं है, यूपी के नहीं है, ये आंध्रा के. अच्छा, सलीम पाशा जो You do not make a monolith out of they are Bengalis, they are Tamilians, they are Kannadigas, they are Malayalis, they are Rajasthanis, they are Gujaratis, they are UPites, Bihar ke hain, ilahda hain, har kisam ke hain. सईद साहब, जो मैं एक ये बात भी है कि जो फिल्म्स आपने बनाई उसमें सोशल इश्यूज जो हैं इस तरह के जो आमतौर पर नहीं एड्रेस किए गए उनको एड्रेस करने की आपने कोशिश की, तो एक तो नैरेटिव के लेवल पे आपने ये सारी चीज़ें आप इनको लेके आए, तो आपकी जो स्टाइल है मेनली उस अपनी जो फिल्म की आपकी स्टाइल है उसको आप कैसे कैसे देखते हैं आप. मैं बताऊँ जी, फंडामेंटली अगर आप देखें मेरे फिल्म जो होते हैं वो एसेज होते हैं, एसेज जी, एक आइडिया होता है जी. अब उसको मैं ढक देता हूं कहानी की, आई ब्रिंग इन अ काइंड ऑफ नैरेटिव, मुझे आइडियो पर कहानी बनानी है. अब वो कैसे हो सकता है, हाउ डू यू बिल्ड इन अ नैरेटिव इनटू एन आइडिया, तो आई स्टार्ट फ्लैशिंग इट आउट, उसको कहानी की रूप देना शुरू कर देता हूं, मगर नॉट complete stories. Formally what I play with is I can play with dramatic narrative structure, I can bring in documentary, I can bring in drama, I can touch melodrama, come back into documentary. So form ke hisab se agar aap dekhen, I am playing games with form. In fact the ideal example jo main dunga aapko Mohan Joshi hazir ho. I played with documentary, I played with fiction, and I played with tamasha. All three forms of entertainment. I played with all three forms. Of film banai Mohan Joshi hazir. Documentary is the face of Mr. Bhisham Sahni. He is documentary. Or unki biwi. Unka parivar shayad. Tamasha is Malkani and Gokhale, those two lawyers, Nasiruddin Shah or Satish Shah. Melodrama is Amjad Khan and those two promoters, Pankaj Kapoor and Salim Ghaus, promoters jo hain, jo builders hain, the construction lobby. And finally, I reach melodrama when he brings up puri dimar gira deta hai. Mohan Joshi. He becomes Samson. Puri building aa jati hai. Usme khud dab jate hain. I am playing with form to reach an idea about law and justice in this country. ठीक. और एक चीज ये भी है कि जैसे हम यहाँ की हमारी जो फिल्म्स रही हैं वो उसमें म्यूजिक एंड डांस अक्सर
रहता है बाकी सारी फिल्म्स में, और आपने भी उसको यूज किया है कहीं ना कहीं पे, तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे कि ये कितना मेरे ख्याल बहुत पुराना है सिनेमा की बासी तेरा जी जी उससे पहले जो भी जी एंटरटेनमेंट फॉर्म थे जी तो वहां से शुरू हुआ जी और हमने एडिंग टू इट आई कोई दिक्कत नहीं है सॉन्ग एंड डांस आई हैव नो प्रॉब्लम इसका मतलब नहीं कि अब चूंकि आपने गाने डाल दिए तो फिल्म कमर्शियल बन गया आपने अपने आप को जी वो समझ रहा हूँ अगर आपने उसको सही ढंग से इस्तेमाल किया मेक अ ग्रेट म्यूजिकल राइट बनाइए हाँ म्यूजिकल जॉनर एक पूरा हाँ बनाइए आप जी डोंट ट्रीट म्यूजिक लाइक एन आइटम अगर आप उसको इंटेग्रल बना दें जी इंटेग्रल टू योर सिनेमा बहुत अच्छी बात वंडरफुल यहां क्या होता है आपका नैरेटिव बंद हो जाता है जी गाना आ जाता है कंटिन्यू और ये भी हो सकता है कि आपने ये तय कर लिया कि बॉय मीट्स गर्ल टू कट शॉट्स ऑफ देयर लुकिंग एट ईच अदर गाना गाए दोनों ने डुएट फिर उसके बाद दे इन लव बीच का जो हिस्सा जो है ऑफ द रोमांस ब्लूमिंग और इश्क पूरा काट दिया गाने की वजह से एंड यू कट शॉर्ट एन एंटायर टाइम थ्रू अ सॉन्ग ये भी हो सकता है बट म्यूजिकल इज अ ग्रेट फॉर्म सही ढंग से अगर आप इस्तेमाल करें इट कैन बिकम अ ग्रेट फिल्म आपने आपने एडिटिंग को लेके कोई एक्सपेरिमेंट्स किए करवाए अपने फिल्म्स में सिनेमाटोग्राफी को लेके और ये सब आपके जो खास आपको लगता हो कि आपने एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की हो नहीं मैं बताऊं क्योंकि द फर्स्ट थ्री फिल्म्स ऑफ अरविंद देसाई जेटू मंडल अल्बर्ट पिंटो और मोहन जोशी मेरे थे रेणु सलूजा वो ग्रेट एडिटर उनका इंतकाल हो गया ग्रेट एडिटर वो स्क्रिप्ट पे बैठती थी स्क्रिप्ट आउट और फिर जब ब्रशेस देखती थी हम दोनों साथ में बैठकर देखते थे ब्रशेस और फिर मैं कहता था रेणु से सर ये रेणु यू नो द फॉर्म आई एम प्लेइंग विद नाउ यू हैंडल इट यू नो कि मैं कहाँ पहुंचना चाहता हूँ नाउ यू स्टार्ट प्लेइंग द गेम दैट यू वांट टू मगर मैं ज्यादा गुंजाइश देता नहीं आई डोंट टेक ऑल काइंड ऑफ शॉट्स फॉर द एडिटर प्ले गेम्स मगर टाइमिंग के हिसाब से आप वहां खेल कर सकती हैं उसके अलावा कुछ और गुजाइश है ही नहीं सो आई डोंट अलाउ द एडिटर ग्रेट फैसिलिटीज की भैया यहां से भी शॉट किया यहां से भी फिर क्लोजअप लिया फिर ये किया फिर आज कैमरा वर्क में कैमरा कैमरा इज फंडामेंटली आई लेवल वेरी फ्यू वेरी अनलेस आई वॉन्ट टू कंप्लीट टॉप एंगल व्हेन आई वॉन्ट टू मेक अ स्टेटमेंट वरना माई कैमरा इज एट आई लेवल विच इज वॉट यू सी आई डोंट एक्सेंचुएट आई नेवर गो बिलो आई नेवर गो अबव ओल्ड इसका क्या रीजन इसका बिकॉज आई रियली फील इट्स द मोस्ट डेमोक्रेटिक वे टू पोर्ट्रे समथिंग आपने कुछ एम्फेसिस नहीं दिया अगर आप नीचे जाएं यू एम्फेसाइजिंग ऊपर जाएं यू एम्फेसाइजिंग यू होल्ड इट स्ट्रेट देयर इज नो एम्फेसिस गिवन बहुत अच्छा देयर इज नो एम्फेसिस गिवन Now you decide, audience. अच्छा आपके सबसे पसंदीदा फिल्म मेकर्स कौन है बहुत सारे हैं जैसे कुछ तुरंत अगर कुछ नाम लेने हो तो टारकोव्स्की और फिर अरविंदन और फिर गॉड अच्छा सोलानास रॉसी मिज़ोगुची लेकिन घटक जी बहुत सारे हैं तो उनकी फिल्म्स का असर आप सीधे सीधे देखते हैं कहीं पे आप पे पढ़ा नहीं, नहीं, नहीं देखते मैं जैसे मैं कहा व्हेन आई गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय अ बुक ये नहीं है कि मैं उसको बनाऊंगा फिल्म टू फिल्म जी एज अ बुक जी जी इसका मतलब ये भी नहीं है कि जो लोग मेक फिल्म आउट ऑफ नॉवेल्स की वो गलत है नहीं मैं खुद नहीं करता पर्सनली आई विल नॉट टेक अ नॉवल दैट आई लव्ड
एंड ट्राई टू मेक अ फिल्म आउट ऑफ इट, लेट इट बी इन द नॉवल, बिकॉज वो मेरे हिसाब से इट्स इन माय इमेजिनेशन लाइज देयर. असर अगर पड़ेगा शायद इट माइट हैव एन इनडायरेक्टिव इफेक्ट ऑन माय फिल्म्स, मगर नो 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 डायरेक्ट इम्पैक्ट. अगर मैं तारकोव्स्की की बात करूँ तो सिनेमा या मिज़ुगोची के आई लव देयर वर्क, ओज़ू ओज़ू को भी, मगर इसका मतलब ये नहीं कि मैं एंटरटेनमेंट है. तारकोव्स्की का जो साइलेंस है उसने आपको कभी ये नहीं किया कि आप अपनी फिल्म्स में भी कुछ साइलेंस को उस तरह से यूज करें, या आपने कहीं किया है कि साइलेंस को यूज किया? आपने नसीम देखी है? नहीं सॉरी मैं देख नहीं पाया. आज आप शांति देखिए. जी जी देखिए, फिर हम बात करेंगे सर. जी 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 ठीक है. बिकॉज इट्स अ वेरी क्वाइट वेरी पर्सनल. मैं बाहर नहीं गया, अफगान इनसाइड, अफगान इन इनवर्ड जर्नी विद दिस फिल्म, और उसके बाद अफगान इन टू ब्राइटिंग. इसके मैंने कहा भाई हो गया, खुदा हाफिज, गॉड ब्लेस यू गाइस, आई एम आउट, आई वांट टू गो अवे. बट इट वॉज द फर्स्ट स्टेप, पहला कदम जो था मेरा going on to an inward journey. So the scene was a full stop. Ab main dusre raste pe nikal raha hu. So aap zarur dekhiye aur mujhe bataiye ki aapko kaisa laga. I'd like to know your response. Seriously, I'd like to know ki aapki raaye kya hai. Ji. Because I have not attempted this kind of cinema at all before. Jo bhi aapne dekha hai wo Arvind Desai, Albert Bundra, Sarin Nagra, Mohan Joshi, ye bilkul ilaza. Ye ilaza. तुम जरूर इसको देखेंगे. डिफरेंट मूड, डिफरेंट टेक. जी सर, लास्ट में यह है कि गोरखपुर जो फिल्म फेस्टिवल है और ये जो कोशिश है कि फिल्म्स को लोग देख पाए पूरे देश में जगह जगह, तो कैसा लग रहा है आपको ये एक्सपीरियंस? मुझे दो तीन चीजें बहुत आई लाइक वेरी मच कि आप लोग सिर्फ गोरखपुर में नहीं, अब छोटे छोटे दूसरे शहरों में भी जा रहे हैं, जैसे भिलाई और या शायद पटना में भी. पटना, नैनीताल, भिलाई, नैनीताल, आई थिंक इट्स वंडरफुल. अब हाउ कैन वी बी ऑफ हेल्प? मुझे लग रहा है कि शायद इसको एक मूवमेंट बना सकते हैं आप लोग, अगर आप चाहें तो. इट कैन बिकम अ वेरी स्ट्रांग मूवमेंट इन यूपी एंड बिहार, शायद मध्य प्रदेश में अगर आप ले आए, राजस्थान को भी ले आए इसके बीच में, आई डोंट नो, हो सकता है. आई कैन सी द बिगिनिंग ऑफ अ मूवमेंट. जैसे हम लोग, हमारी तो उम्मीद ये है कि ये जो पूरा मूवमेंट है, तो आप जो बोल रहे हैं कि आपने आप बाहर निकल गए वहां से, आपने एक जो दूसरी उम्मीद की हम मैं बात कर रहा हूँ वो ये है कि आप फिर से फिल्म बनाएंगे, बीच में आप थोड़ा ब्रेक ये है आपका, आप लौटेंगे और बहुत अच्छी आप फिल्म बनाएंगे, ऐसी उम्मीद आपसे करते हैं. तो इस बारे में क्या बहुत स्टिक तो नहीं होंगे कि बनाएंगे? स्टिक ये नहीं है कि आई मस्ट फील, मुझे लगना चाहिए कि मुझे फिल्म बनानी है जी, तो फिर मैं बनाऊंगा. जैसे बहुत सारे फिल्म मेकर्स हुए, उन्होंने ब्रेक लिया, उसके बाद आए फिर काम किया. जैसे मैं कल आपसे बुधार की बात कर रहा था, तो उन्होंने लंबे लंबे ब्रेक्स लिए अपनी लाइफ में, उन्होंने फिल्म नहीं बनाई, फिर बनाए, फिर वीडियो का एक्सपेरिमेंट किया, ये सब एक्सपेरिमेंट किए. तो लेकिन अभी रिसेंटली उन्होंने सोशलिज्म फिल्म बनाई है, सोशलिज्म पे बनाई है. हाँ, ये 2009 में मेरे ख्याल से रिलीज हुई नहीं हुई अभी, ये भी ठीक ठीक नहीं मालूम मुझे. तो अच्छा रहा सर आपसे बातचीत करके पूरा. आपको कैसे लगा? नहीं बढ़िया. थैंक यू वेरी मच.